बार की बात है, जंगल में एक घमंडी मोर रहता था। वो जंगल में रहने वाले सभी परिंदों और जानवरों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ गया, बिजली कड़कने लगी, आसमान पे काले बादल मंडराने लगे। ये सब देखकर घमंडी मोर बहुत खुश हुआ। घमंडी मोर नाचते हुए कबूतर के पास पहुंचा। कबूतर, देखो कितना सुहाना मौसम हो गया है, क्या तुम मेरे साथ बारिश में नाचोगे? तुम्हें पता है कि मुझे नाचना नहीं आता। जानता हूँ, फिर भी सोचा पूछ लूँ। अच्छा, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। कबूतर का मजाक उड़ाने के बाद घमंडी मोर मुर्गी के पास जाता है। मुर्गी बहन, आओ जरा बाहर आओ, कितना सुहाना मौसम है, देखो, आओ मेरे साथ नाचो। मुझे मालूम है कि तुम ये जानबूझकर पूछ रहे हो ताकि तुम अपने अच्छे नाचने का दिखावा कर सको, दूसरों की हंसी उड़ा सको। जाओ तुम यहाँ से, मुझे दाना चुगने जाना है। पूरे जंगल में ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ अकेले मैं ही नाच सकता हूँ। थोड़ी दूर चलकर मोर हंस को देखता है और उसके दिमाग में फिर कुछ खुरापात सूझती है। वो हंस के पास जाकर बोलता है, ए हंस, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। हाँ, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, उड़ते हुए थक गया था तो सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ, करो आराम करो, वैसे भी थक जाते होगे। हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है जो नाचने के बाद भी नहीं थकता। मोर भाई, मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम जाओ और नाचो। मैं समझ गया, तुम डर गए कि कहीं मैं तुम्हें नाचने के लिए बोलूं और तुम नहीं नाच पाए तो। मोर की बात सुनकर हंस को गुस्सा आता है और वो उसे उसकी तरह उड़ने का चैलेंज देता है। तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड है, तो चलो आओ, मैं तुम्हें मेरे साथ उड़ने का चैलेंज देता हूँ। हंस घमंडी मोर को उड़ने का चैलेंज देकर उड़ने लगता है, पर मोर थोड़ा उड़कर जमीन पर आ जाता है। मोर को नीचे देखकर हंस नीचे आ जाता है। क्या हुआ मेरे दोस्त मोर, तुम तो मेरी तरह उड़ ही नहीं पाए। तुम तो इस जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम्हारे पंख तो इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे हैं। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हंस भाई, मेरे घमंड के चलते मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। चलो, तुम्हें तुम्हारी गलती समझ तो आई, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर एक में एक अलग खूबी होती है। ये जरूरी नहीं कि जो गुण तुम में हो वही दूसरे में हो, और अपने उस गुण पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए। वाह, मोर कितना सुंदर पक्षी होता है, देखो शाइनी, देखो भी। मुझे पता है कि मोर क्या होता है। नहीं, सच में, देखिए इसके पंख कितने सुंदर हैं और इसकी आंखें भी। माँ, मोर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है ना? हाँ साशा। मुझे पता था, सच में ये बहुत ही सुंदर है, एकदम परफेक्ट, इसमें कुछ भी खराबी नहीं हो सकती। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ माँ, बिल्कुल। तो ठीक है, अब तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैं तुम्हें मोर की एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, सभी पक्षी मोर की तारीफ कर रहे थे। ओ मोर, मुझे तुम्हारे सुंदर पंखों को छूने दो, ये चमकदार हैं, मुलायम हैं। सच में मुझे तुम्हारे रंग बहुत पसंद है, नहीं तो मुझे देखो, मेरा पूरा रंग सफेद है। मैं भी, मेरा रंग देखो फीका सा ग्रे। जरा देखो तुम्हारे पंखों की वेलवेट चमक, क्या तुम इन्हें रोज धोते हो? ये कैसे चमकते हैं हमेशा। मुझे तुम्हारे बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है तुम्हारी सुंदर आँखें। वाह, कितनी प्यारी हैं ये, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। और वो देखो मोर के सर पर क्या है, ये बिल्कुल एक ताज जैसा दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, एक असली ताज। मोर, तुम राजा हो, तुम हर तरीके से बहुत अच्छे हो।
हाँ एकदम बढ़िया। मोर एकदम मस्त दिखता है, बढ़िया खूबसूरत। वाह, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये तुम क्या कह रहे हो? ये उससे जलता है। मैंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ये मोर भी नहीं हो सकता। ठीक है मिस्टर मोर, इसमें कोई शक नहीं कि तुम खूबसूरत हो। कोई भी यहाँ तुम्हारी सुंदरता का आधा भी नहीं है। लेकिन तुम्हें परफेक्ट कहने से पहले मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहूँगा। मैं हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज मुझसे भी अच्छी है। गाओ मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। देखा, ऐसा ही होता है। इसमें बुरी बात नहीं कि वो गा नहीं सकता, पर याद रखना हम सब की कुछ कमजोरियाँ और कुछ खूबियाँ होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो अब तुम दोनों समझ गए ना, कोई भी परफेक्ट नहीं। मैं भी नहीं। नहीं, तुम भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं, और हम भी नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं। अब मेरी बात सुनो, देर हो रही है, सब फटाफट खत्म करो और सोने जाओ जल्दी से। दादाजी, मुझे वो ड्रेस चाहिए। क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है उस ड्रेस में? दादाजी, शाशा उस एक्ट्रेस को बहुत पसंद करती है, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखना चाहती है। तो ये बात है। जी दादाजी, मुझे ये एक्ट्रेस बहुत पसंद है, मैं उसके जैसा दिखना चाहती हूँ। उसके जैसे कपड़े पहनना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, बल्कि उसकी तरह खाना भी। पर क्या वो सब बोरिंग नहीं होगा साशा, किसी और की तरह दिखना? क्यों दादाजी, वो बहुत सुंदर है। वो ड्रेस मुझे दिला दीजिए, मैं बिल्कुल उसके जैसी दिखना चाहती हूँ। बिल्कुल उसके जैसी, बिल्कुल उसके जैसी। ठीक है, मैं खरीद दूंगा, लेकिन पहले कैसा होगा अगर मैं तुम्हें डोनट्स खिलाने ले चलूं और एक कहानी सुनाऊं? ये डोनट्स और कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में चार मोर रहा करते थे। ओ, ये मोर कितने सुंदर हैं। उनके रंगीन पंखों को तो देखो, कितना प्यारा नाचते हैं वो, हर तरीके से ही वो परफेक्ट है। उसी जंगल में एक मुर्गा रहता था जो मोरों से जलता था, वो उनके जैसा दिखना चाहता था। ऐसा क्या खास है इन मोरों में, मैं भी इनकी तरह दिख सकता हूँ, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा बेहतर। तुम्हें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए जो तुम्हें मिला है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ये क्या है? मैं किस्मत वाला हूँ, ये एक मरा हुआ मोर है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। अब मैं बिल्कुल असली मोर की तरह दिख रहा हूँ, अब तो इसमें कोई फर्क नहीं बता सकता। कितना खूबसूरत है। सुंदर पक्षी, देखो कितने सुंदर मोर है ये, और रोज ये खूबसूरत होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये जानवर कितने बेवकूफ हैं, इनको फर्क ही नहीं पता चलता। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, वाह क्या जिंदगी है मेरी। ये सारे मोर कितने अच्छे हैं, लेकिन ये वाला मोर बहुत घमंडी है।
हाँ, पता नहीं ये ऐसा क्यों है। देखो सुंदर है तो क्या हुआ, सुंदरता काफी नहीं होती, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अरे अरे देखो, लगता है अभी बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। इसका मतलब मोरों का डांस शुरू होने ही वाला है, है ना? वाह कितना बढ़िया है, मोर डांस करने वाले हैं। चलो चले, हमें मोरों का डांस देखना है ना? ओह, ये क्या हो रहा है, मेरे पंख क्यों नहीं खुल रहे? क्या हुआ भाई, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी आओ, जल्दी, बारिश हो रही है। हाँ, आओ बारिश में झूमे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं अपने पंख नहीं फैला पा रहा हूँ। ओह, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बड़ी परेशानी है क्या? क्या हम मदद कर सकते हैं? अरे जरा उस मोर को देखो। अरे ये क्या हुआ? अरे ये तो मोर है ही नहीं, ये तो मुर्गा है। हमारा भाई कहाँ है? तुमने हमारे भाई के साथ क्या किया? नहीं नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसने हमारे भाई को मार दिया। हाँ इसने उसे मार दिया और उसके पंख अपने पंखों पर लगा लिए। ये एक मोर बनना चाहता है, हम इसे सबक सिखा के रहेंगे। बहुत ही बुरा हुआ, काश वो मुर्गा बनकर ही खुश रहता। ऐसा तभी होता है जब हम किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। वो एक मोर बनना चाहता था, अब वो एक मुर्गा भी नहीं रहा। इसने ये बात अपनी जान गवा कर ही सीखी। ओह, ये कितनी सैड स्टोरी है। लेकिन तुमने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। जी दादाजी, किसी का कॉपी करना अच्छी बात नहीं। ये ठीक है अगर तुम किसी की अच्छाइयों से कुछ सीखो, लेकिन आंख बंद करके किसी को कॉपी करने से अपना ही नुकसान होता है। जी दादाजी। ठीक है तो चलो, अब मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी पसंद की कोई दूसरी ड्रेस, उसके जैसे बिल्कुल नहीं। हाय मैं हूँ शाइनी, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।